बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी का रिव्यू लेके आएँ। टोयोटा करोला एल्टिस 1.6 SR ऑटोमेटिक गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है, 2012 मॉडल, जो कि आप लोगों को सिल्वर कलर के अंदर आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगी। काफ़ी एंटीक पीस गाड़ी है। अगर गाड़ी की लोकेशन की बात की जाए तो आप लोगों को LMS कारवेली रिंग रोड पिशावर लोकेशन आप लोगों को मैं नीचे मैंशन कर दूँगा, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं और डिफरेंट गाड़ियों के बारे में मामूलत भी ले सकते हैं। और गाड़ी प्राइस के बारे में, ये गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ मतलब एक काफ़ी मुनासिब प्राइस के अंदर आप उनके साथ डील कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह इस गाड़ी के डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो इन मॉडल्स के अंदर आप लोगों को 3-4 किस्म के वेरियंट मिलते हैं। नंबर 1 पहले आ जाती है जी 2D, उससे सेकेंड वेरियंट आ जाता है जी 1.3 XLI, उससे थर्ड वेरियंट आ जाता है जी 1.3 GLI वेरियंट के अंदर। फिर उसके ऊपर आ जाती है जी ऑटोमेटिक एल्टस गाड़ी SR, जो कि सनरूफ फुल ऑप्शन गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है। तो अभी आप लोगों के सामने एल्टस SR, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है आजकल गाड़ियों की, अभी इस तरह की साफ गाड़ियाँ बहुत ही कम मार्केट में मिल रही हैं। तो अभी इंशाल्लाह इस गाड़ी के डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी फ्रंट बानेट की बात की जाए, बानेट इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। साइडों में आप लोगों को इसके कर्व्स बने हुए मिल जाएंगे। फ्रंट के ऊपर इसकी स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। साइड में एल्युमिनियम की ट्रिमिंग ब्लैक कलर की आप लोगों को दी जाती है। ऊपर रूफ़ की बात की जाए तो इसके रूफ़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जेन्युइन आप लोगों को रूफ़ मिलता है। उसके ऊपर आप लोगों को ब्लैक पेपर सनरूफ ऊपर आफ्टरमार्केट की स्टार मिल जाता है, और इस मॉडल के अंदर आप लोगों को ओरिजिनल सनरूफ़ मिल जाएगा। बात करें फ्रंट प्रोफाइल की तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसकी फ्रंट प्रोफाइल है। मिडम में हार्ड प्लास्टिक की ग्रिल आप लोगों को मिल जाती है, मिडम में टोयोटा की बेजिंग मिलती है। नीचे बम्पर के अंदर आप लोगों को फॉग लाइट्स मिलती हैं, और फॉग लाइट की साइड में आप लोगों को ब्लैक कलर के प्लास्टिक और गोल जो इसकी साइड गोल होल्ड हैं वो आप लोगों को क्रोम का मिलता है। फ्रंट के ऊपर नीचे की जाने आप लोगों को ब्लैक कलर की आप लोगों को ग्रिल मिल जाती है। और यहाँ पर बात करें अगर इसकी हेडलाइट्स की, हेडलाइट इसकी आप लोग गुलाबीनुमा हेडलाइट्स मिलती हैं, जिसके अंदर इंडिकेटर एंड लो आई बीम का आप लोगों को बल्ब मिल जाता है। तो ये आगे जी कुछ इसकी फ्रंट प्रोफाइल। बात करें अगर इसकी राइट साइड की प्रोफाइल की, फिंडर की, तो फिंडर के अंदर आप लोगों को VVTi का आप लोगों को लोगो मिल जाता है। फिंडर के अंदर जस्ट आप लोगों को लोगो मिलता है, इसके अलावा कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता। फिंडर्स के बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर आपको कर्व्स बने हुए मिल जाएंगे, जो फ्रंट से बैक साइड की विंडोज़ के कोने तक आप लोगों को कर्व्स बना हुआ मिलता है। यहाँ पर ऑटो आप लोगों को इसके इलेक्ट्रिक मिरर्स मिलते हैं, जिसके अंदर इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, आप अंदर से इन्हें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और इनका बैक साइड के कवर आप लोगों को हल्का सिल्वर कलर का मिलता है, और जो इसकी साइड्स हैं फ्रंट की वो आप लोगों को ब्लैक कलर की दी जाती हैं। बात करें विंडोज़ के पैनल्स की, इसके आप लोगों को ब्लैक कलर के आप लोगों को पैनल मिलते हैं। सनशाइन आफ्टर मार्केट आप लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ पर विंडोज़ की बाइक की शेप की बात की जाए तो विंडोज़ के ऊपर आप लोगों को रबड़ीनुमा गोला मिलता है, जो कि सिल्वर कलर का मिलता है आफ्टर मार्केट। इसके अंदर फिनबोर्ड किट लगवा रखी है, जिससे गाड़ी की लो प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। इसके अलावा विंडोज़ के जो हैंडल्स हैं वो हार्ड प्लास्टिक के आप लोगों को मिलते हैं, और राइट साइड की प्रोफाइल फ्रंट से बैक साइड तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर बात करें जी इसकी लेफ्ट साइड की प्रोफाइल की, तो लेफ्ट साइड के फिंडर देख लें बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साइड मिरर ओके हैं। विंडोज़ के ऊपर आप लोगों को सनशाइन मिल जाते हैं। इसके अलावा पूरी की पूरी प्रोफाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पर बात करें अगर इसके इंटीरियर की, तो इसका इंटीरियर कुछ इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टेयरिंग आप लोगों को मिल जाता है, स्टेयरिंग के ऊपर आप लोगों को स्टिचिंग दी जाती है, टोयोटा की बेजिंग दी जाती है, हॉर्न का बटन। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर स्पीडोमीटर आप लोगों को इसके अंदर डिजिटल भी मिलता है, और इसके अलावा आप लोग इसके अंदर RPM मीटर, स्पीडोमीटर और डिफरेंट फ्यूल गेज और लाइट्स वगैरह के ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अगर डैशबोर्ड की बात करें तो पूरे का पूरा हार्ड प्लास्टिक का आप लोगों को मिलता है, इसके अंदर कोई लेदर वगैरह नहीं दी जाती, टोटली हार्ड प्लास्टिक है। जस्ट दो कलर इसके अंदर दिए गए हैं, हल्का ब्लैक हल्का क्रीमी कलर का। यहाँ पर आपको साइड मिरर एडजस्टमेंट के बटन, लाइट एडजस्टमेंट के बटन, एसी के विंड्स, यहाँ पर मिडम में LED मिल जाती है, ऊपर एसी के विंड्स दिए जाते हैं और दोनों तरफ यहाँ पर नीचे। इसके अलावा आप लोगों को नीचे आर्मरेस्ट दिया जाता है, यहाँ पर भी छोटी सी स्पेस। इसके अलावा ऑटोमेटिक आप लोगों को गाड़ी मिलती है 1.6 1600 CC। यहाँ पर बात करें अगर रूफ़ की, तो रूफ़ आप लोगों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है, इसके अंदर आप लोगों को सनरूफ मिलता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है अभी आप लोगों के सामने है। यहाँ पर उसके बटन भी दिया जाता है, इसके अलावा लाइट्स का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हुक्स और पूरा का रूफ़ आप लोगों को क्रीमी कलर का दिया जाता है। एनीवे बात करें अगर इसकी बैक साइड की प्रोफाइल की, तो अभी आप लोगों की इसकी मैं बैक साइड की प्रोफाइल दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की आप लोगों को बैक साइड की प्रोफाइल देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्क्रीन की बात करें तो नीट एंड क्लीन स्क्रीन है, इसके ऊपर कोई ब्लैक पेपर स्टाल नहीं है। यहाँ पर आपको जस्ट ब्रेक लाइट ओरिजिनल दी जाती है।
यहाँ पर ट्रंक ट्रंक बिल्कुल नीचे ग्रीन है, ट्रंक के मिडल में टोयोटा की बेजिंग, लेफ्ट की जाने में टोयोटा की बेजिंग, और यहाँ पर क्रोला एल्टिस की बेजिंग क्रोम की दी जाती है, और नीचे 1.6 SR की बेजिंग दी जाती है। ट्रंक के मिडल में आपको पट्टी मिलती है हार्ड प्लास्टिक की, नीचे नंबर प्लेट की लाइट्स एंड जो इसकी इंडिकेट रिवर्स लाइट है वो आप लोगों को ट्रंक के अंदर मिलती है, और जो इसकी इंडिकेटर एंड ब्रेक लाइट है वो आप लोगों को LED वाली आप लोगों को फिंडर के अंदर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाती है। और इन मॉडल्स की जो शेप अभी आप लोगों को नज़र आ रही है, ये 11 से लेके आगे जितने वेरिएंट आए हैं उन मॉडल्स के अंदर आप लोगों को इस तरह की शेप देखने को मिलेगी। इससे 11 से नीचे 8, 9, 10 जो वेरिएंट हैं उन मॉडल्स के अंदर आप लोगों को गोल्ड शेप लाइट्स वाली मिलती है, लेकिन इनके अंदर आपको इस तरह की शेप मिलती है। नीचे बम्पर के अंदर आप लोगों को ब्रेक लाइट भी दी जाती है, और बम्पर के अंदर आप लोगों को दोनों तरफ कर्व्स मिलते हैं, एक लाइट के नीचे और एक पूरे बम्पर के साइड में आप लोगों को कर्व्स बने हुए मिलते हैं, और नीचे एक यूनुमा आप लोगों को मिलता है कर्व्सनुमा। इसकी आगे कुछ बैक साइड की प्रोफाइल। फिंडर की बात करें तो फिंडर इसका नीट एंड क्लीन है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करते हैं, फ्यूल कैपेसिटी इसके अंदर आप लोगों को 75 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और एल्टस के अंदर, और जो 1.6 GLI वगैरह हैं 1.3 उनके अंदर मेरे ख्याल से 55 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर अगर इसकी टायर्स की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को ब्रांड न्यू टायर्स मिलते हैं, जो कि आप ये समझ लें 100% आप लोगों को ओके टायर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को अल्टस के अंदर ओरिजिनल अलाइज मिलते हैं, नहीं तो जो पुराने वेरिएंट मॉडल हैं उनके अंदर सादा रिम आया करते थे और उनके ऊपर RED व्हील कप हुआ करते थे, लेकिन इस मॉडल के अंदर आप लोगों को ओरिजिनल अलाइज मिलते हैं, और ओरिजिनल अलाइज आप लोगों के सामने हैं जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी के साथ सूट करते हैं। और कुछ इस तरह की प्रोफाइल देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। एनीवे, अब बात करते हैं इंटीरियर की। ऑलरेडी मैंने वीडियो के दरमियान भी इंटीरियर दिखा दिया था, लेकिन अभी जस्ट ठीक तरीके से दिखा देता हूँ। ये आ गया कुछ स्टेयरिंग के दोनों तरफ आप लोगों को क्रोम की कुछ हार्ड प्लास्टिक कवर दिया जाता है, ठीक है, और लेदर की स्टिचिंग वगैरह दी जाती है। यहाँ पर आप लोगों को एयरबैग मिलता है, और दूसरी जानब यहाँ पर भी आप लोगों को एयरबैग दिया जाता है। आपको दोनों तरफ एयरबैग दिए जाते हैं, डिजिटल स्पीडोमीटर और 240 का आप लोगों को स्पीडोमीटर मिलता है। ऊपर का जो पूरा प्लास्टिक है वो आप लोगों को हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर का दिया जाता है, और नीचे आप लोगों को क्रीमी कलर का। मिडल में AC के विंड्स, डबल इंडिकेटर एंड LED आप लोगों को मिल जाती है, आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड लगी हुई। यहाँ पर जी आप लोगों को AC के मैनुअल बटन दिए जाते हैं, ऑटोमेटिक आप लोगों को गाड़ी मिलती है। आर्मरेस्ट की बात की जाए, इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त दिया जाता है। इसके अंदर आपको छोटा सा बॉक्स भी मिल जाता है, यहाँ पर ग्लास होल्डर भी मिल जाएगा, और डैशबोर्ड के अंदर भी आपको दोनों तरफ बॉक्स मिलते हैं। सीट्स की बात की जाए, इसके अंदर आप लोगों को लेदर की क्रीमी कलर की आप लोगों को ओरिजिनल लेदर की सीट्स मिलती हैं, और काफ़ी स्टिचिंग वाली मिलती हैं यहाँ पर देख लें, और जिनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। नीचे ओरिजिनल कारपेट, ओरिजिनल आपको इसके मैट्स मिल जाएंगे, और कंफर्टेबल आप लोगों को मिलती है। विंडोज़ की गति की बात करें, इसके अंदर आप लोगों को दोनों तरफ स्पीकर्स दिए जाते हैं, बल्कि चारों विंडोज़ के अंदर स्पीकर मिलते हैं, ग्लास होल्डर एंड पावर बटन्स आपको इसके अंदर दिए जाएंगे। यहाँ पर बात करें बैक साइड की सीट्स की, तो बैक साइड की सीट्स आप लोगों को फ्लैट मिलती है, और जिसके अंदर आप लोगों को दो सीट बेल्ट भी मिलते हैं, तीन हेडरेस्ट भी मिलते हैं, और तीन बंदे इजीली बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विंडोज़ के गत्ते का डिज़ाइन भी देख लें, पावर बटन, आपको ग्लास होल्डर की जगह भी मिलती है, छोटी सी स्पेस भी, यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन, और यहाँ पर आपको पावर बटन मिलता है, उसका जो कवर वालों को एक लक्षणमा फीलिंग देता है। इसके अलावा स्पेस वाइज गाड़ी बेस्ट है, और इन मॉडल्स के अंदर जितनी भी वेरिएंट उनकी स्पेस अच्छी खासी होती है। बात करें अगर इसके इंजन की, इसके अंदर आपको 1.6 1600 CC आप लोगों को इंजन मिलता है, पेट्रोल इंजन, और SR जो है एक फुल ऑप्शन गाड़ी आप लोगों के सामने है। उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। गाड़ी की लोकेशन की बात की जाए तो ऑलवेज कार विलेज आप लोगों को रिंग रोड पेशावर के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोकेशन फेसबुक के ऊपर या गूगल मैप के ऊपर भी लोकेशन सर्च करते हैं तो आप लोगों को टोटली एग्जैक्टली फिक्स लोकेशन आ जाएगी, तो आप उनके साथ डील वगैरह भी कर सकते हैं। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी, इसके अलावा आप लोगों को हर किस्म की गाड़ी के बारे में मौजूद वो दे देंगे, और इंशाल्लाह मैं हर किस्म की गाड़ी का रिव्यू कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अपने बाइक को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।